हाय एवरीवन, मैं आपका दोस्त आया स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। आज आ रही है टेक न्यूज़ नंबर 198, ये मॉर्निंग वाली हमारी टेक न्यूज़ है। तो शुरू करते हैं देश दुनिया की बढ़िया बढ़िया खबरें। तो पहले न्यूज़ की बात की जाए तो आती है वावे मेट 40 प्रो। जी हाँ, इसमें यूज़ किया जाएगा UTD अल्ट्रा थिन डिस्प्ले, जो काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी के बना देगी इस फ़ोन को। और मैं रियली एक्साइटेड हूँ इस फ़ोन के बारे में। वैसे अभी तो वावे P40 प्रो भी इंडिया में नहीं आया, तो इसके भी आने के चांसेस नहीं हैं। मगर भाई फ़ोन की क्वालिटी और स्पेक्स रियली ऑसम होती है। GMS का पंगा ना होता तो इस टाइम हुआवे टॉप पे आ जाती। नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए तो Apple TV 6, जी हाँ Apple TV 6 कह रहे हैं जल्दी आएगा और इसमें यूज़ किया जाएगा बायोनिक A12X चिपसेट। तो भाई काफ़ी बढ़िया हो सकता है, मगर भाई Apple का प्रोडक्ट है तो भाई ज़मीनें जायदाद किडनियाँ सब ले जाता है अगर आप ये बाय करने के सोचते हो। नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए तो आती है हमारे सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा में किया जाएगा स्नैपड्रैगन 865 प्लस वाला प्रोसेसर यूज़। मगर कह रहे हैं कि शायद ये जब इंडिया में आए तो इंडिया में एक्सीनोस 1000 वाला प्रोसेसर यूज़ किया जा सकता है। पता नहीं ये इंडिया में एक्सीनोस वाला क्यों प्रोसेसर लाते हैं, स्नैपड्रैगन इज़ मच बेटर देन एक्सीनोस। नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए तो आ रही है इंटेल की तरफ से। इंटेल ने अपना प्रोसेसर लॉन्च किया है i3-10100। जी हाँ, ये न्यू प्रोसेसर लॉन्च किया है और जो इनका लास्ट प्रोसेसर था 9100F i3 का, उसे 36.4% ज़्यादा इम्प्रूव है। वैसे बेसिक इंटेल का प्रोसेसर i5 जो नहीं, वो 30,000 के लैपटॉप्स तक मिल जाता है, 30-35,000 के लैपटॉप्स तक मिल जाता है मेरे हिसाब से। तो भाई इम्प्रूवमेंट अच्छी है, जो बेसिक लैपटॉप लेना चाहते हैं उनको न्यू प्रोसेसर का ये यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाती है हमारे मोटरोला की। जी हाँ मोटरोला एज लाइट, जो मैंने थोड़े दिन पहले ही बताया था आने वाला है, इसकी स्पेक्स थोड़ी सामने आई है। 6.7 इंच की फुल HD प्लस स्क्रीन मिलेगी, 21.9 एक्सपेक्टेड जो लंबा फ़ोन होगा, 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट, डुअल पंच होल के साथ आएगा, 8+2 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, जो रियर कैमरा है वो 48+16+8+5 मेगापिक्सल का होगा। साथ में कह रहे हैं इसमें स्नैपड्रैगन 765G वाला प्रोसेसर यूज़ किया जाएगा। मेन बात है क्या प्राइस के साथ ये लाता है मोटरोला एज इज़ ओवर एक्स प्राइस। देखते हैं एज लाइट में कमाल करता है या फिर से पुश हो जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात कीजिए तो मोटरोला ला रहा है अपना सबसे पहला होम थिएटर इंडिया में। जी हाँ, ये फ्लिपकार्ट के थ्रू सेल आउट होगा और इसका नाम रखा है एम्फी साउंड एक्स। देखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है, क्वालिटी भी मेरे हिसाब से अच्छी हो सकती है, मैटर करता है प्राइस, क्योंकि मोटरोला है कुछ भी कर सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए तो आती है हमारी रियलमी X3। जी हाँ, रियलमी X3 सपोर्ट करेगा 1216 लीनियर स्पीकर विद डॉल्बी एटमॉस, जो काफ़ी बढ़िया है स्पीकर क्वालिटी के लिए। 1216 लीनियर मोटर स्पीकर यूज़ किया गया था हमारे मी 10 में भी, तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी चीज़ है, साउंड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होगी। 25 तारीख को ये लॉन्च होगा, देखते हैं किस प्राइस पे। मेरी एक्सपेक्टेशन है X3 25,000 के पास लॉन्च हो जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ और सबसे बड़ी न्यूज़ की बात की जाए तो भी आइस यूनिवर्स ने ट्वीट किया है कि OnePlus के जो CEO हैं और फाउंडर हैं पेटे लव, वो जा रहे हैं ओप्पो में। जी हाँ, वैसे ओप्पो, OnePlus, रियलमी, वीवो, IQ सब एक ही खानदान के रिलेशन में हैं, क्योंकि चाचा भाई ताया भतीजा सारे एक ही फैमिली से निकले हैं BB के, तो ये ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि हमारा DC ट्रांसफ़र हो गया लुधियाना से जलंधर, उसी तरह आप कह सकते हो शायद ये पीटे लाउ ट्रांसफ़र हो जाएंगे ओप्पो में। रिसेंटली लास्ट मंथ ओप्पो के जो ब्रायन शेन ने रिज़ाइन कर दिया था ओप्पो में से, तो मे बी ये स्टेप हो सकता है कि पीटे लाउ को ओप्पो में ट्रांसफ़र कर दी जाए। ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुई है। आइस यूनिवर्स काफ़ी बड़े लीक्स्टर हैं चाइना के और ट्विटर पर भी काफ़ी फेमस हैं, उन्होंने ये पोस्ट किया था आज मॉर्निंग में। तो देखते हैं क्या होता है, पीटे लव अगर OnePlus छोड़ेगा तो ओप्पो का भला होगा या नहीं होगा। मेरे हिसाब से ओप्पो का भला हो जाएगा, क्योंकि OnePlus काफ़ी बढ़िया स्टैंडर्ड और काफ़ी अच्छी चीज़ के साथ इतना नाम हो चुका है। तो भाई आज की टेक न्यूज़ में बस इतना ही। बढ़िया लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।